सो हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको लोगों को बताऊंगा कि ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट कैसे भेजी जाती है। जब भी आप किसी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में, यूएसए में या कनाडा में अप्लाई करते हैं, तो यूनिवर्सिटी आपसे बहुत बार ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट की डिमांड करती है। यस, ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट। जब आप एप्लीकेशन करते हैं या ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करते हैं, जब आप जो ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करते हैं, स्कैन कॉपी जो अपलोड करते हैं, वो अनऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट होती है। यूनिवर्सिटी उसको अनऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट कंसिडर करती है, बट बहुत सारी यूनिवर्सिटी आपको ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट मांगती है। अब ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट क्या होती है? सपोज आपने बैचलर डिग्री करी है इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो आपको यूनिवर्सिटी फिजिकल कॉपी इश्यू करती है ट्रांसक्रिप्ट की, या बहुत सारी यूनिवर्सिटी डिजिटल कॉपी भी इश्यू करती है। सो फॉर एग्जांपल, अगर आपने सैंटा क्लारा यूनिवर्सिटी में या स्टीवंस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है यूएस में, या सैन डिएगो में अप्लाई किया है, तो सैन डिएगो यूनिवर्सिटी चाहती है कि आपने जिस यूनिवर्सिटी में इंडिया में पढ़ाई करी है, उस यूनिवर्सिटी से डायरेक्टली आपको ट्रांसक्रिप्ट सैन डिएगो को मिले। तो बहुत सारी जो यूनिवर्सिटीज होती है इंडिया में, जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज होती है, वो फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करती है। कुछ कुछ यूनिवर्सिटी करती है, तो दो तरीके से जा सकती है। हो सकता है अगर आपकी इंडिया में जिस यूनिवर्सिटी से आपने बैचलर डिग्री करी है, वो इलेक्ट्रॉनिकली सैन डिएगो को या जो भी यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई किया है उसको ट्रांसक्रिप्ट भेज दे, या फिजिकली भेज दे, डायरेक्टली कोरियर करते हैं। दोनों में से किसी भी ऑप्शन से आप ट्रांसक्रिप्ट भेज सकते हैं, और बहुत सारी यूनिवर्सिटी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करती है, वो स्टूडेंट्स को ही डायरेक्टली ट्रांसक्रिप्ट इशू कर देती है। तो अगर आपको ट्रांसक्रिप्ट यूनिवर्सिटी ने इशू कर दी है और आपको फिजिकल कॉपी भेजना है यूनिवर्सिटी को यूएस में, तो आपको कैसे भेजना है? सीधा एग्जाम्पल, सपोज मेरे पास एक स्टूडेंट्स की ट्रांसक्रिप्ट है, या जिस भी यूनिवर्सिटी की ट्रांसक्रिप्ट है, और यूनिवर्सिटी जो ट्रांसक्रिप्ट देती है वो सील करके देती है, पीछे सील लगी हुई रहती है और पूरा पैक एनवेलप होता है। तो आपको इस एनवेलप को ओपन नहीं करना है, आपको इस पूरे एनवेलप को एक बड़े A4 साइज एनवेलप में डालना है, ठीक है? इस बड़े A4 साइज एनवेलप में डाल के इसको पूरा पैक करना है, और फिर आप इसको जिस भी यूनिवर्सिटी को आपको सेंड करना है, आप उसको सेंड कर सकते हो। फ्रॉम में आप अपना एड्रेस या जो भी आपकी डिटेल है वो डाल सकते हैं। ये हम इसलिए करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि यूनिवर्सिटी से जो हमको ट्रांसक्रिप्ट मिली है, हमने उसको बिना ओपन किए एज इट इज सिल्ड ट्रांसक्रिप्ट को हमने एक बड़े A4 साइज एनवेलप में डाला है, और इस A4 साइज एनवेलप को हमने पैक करके डायरेक्टली जिस भी यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई किया है, आप उसको डायरेक्टली सेंड कर सकते हैं, ठीक है? सो आई होप दिस इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू। तो अगर आपको जब भी ट्रांसक्रिप्ट भेजना है, सो यू कैन सी दिस वीडियो, दिस इज वेरी हेल्पफुल। ओके, थैंक यू।